नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भंबी और मैं बताने जा रहा हूँ 29 तारीख का भविष्यवाणी। हमारी पहली राशि है मेष यानी एरिस। बहुत बेहतरीन दिन है और किसी रुके हुए कार्य के बनने का अपार हर्ष होगा। नए लोग भी मिलेंगे और आप देखेंगे कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी प्लानिंग है, इतनी सार्थक हो रही है आज। और जो लोग आप मिल रहे हैं, जिनसे आपका संपर्क हो रहा है, वो बहुत तहे दिल से, खुले दिल से आपकी मदद कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि यह जो प्रोजेक्ट है, यह जो कार्य है, या ये जो जॉब है, ये जैसे बनेगा उसके बाद में एक नई शुरुआत होगी। तो उस शुरुआत का दिन है और इसका आप बहुत सलीके से, संजोए हुए आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। शुभ रंग है लाल। अगली राशि है वृष यानी टॉरस। अगर नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उसके बनने की पूरी पूरी संभावना है। वर्तमान नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है। अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी सहूलियत आपको देखने को मिलेंगी और वर्तमान व्यापार में काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने के सुंदर चांसेस भी आपके सामने प्रकट होंगे या उपस्थित होंगे। और पारिवारिक वातावरण उत्साहवर्धक रहेगा। अगर कोई वाहन आदि खरीदने का मन है तो उसके लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा है। आपका शुभ रंग है नीला। अगली राशि है मिथुन यानी जेमिनी। भाग्य के सहयोग से कठिन कार्य संपन्न होंगे और जब ऐसा होता है, भाग्य साथ देता है, तो फिर आदमी को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, उसके कार्य बहुत आसानी से संपन्न हो जाते हैं। संपर्क के दायरे का विस्तार होगा और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वैसी बहुत बढ़िया है और आज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो जिन लोगों से आप मिलना चाह रहे हैं, वो शायद उनसे आप किसी कारण से मिल नहीं पा रहे थे, आज आप देखेंगे ये कार्य आपका बहुत ही सहूलियत के साथ, प्रेम के साथ संपन्न हो गया और यहाँ से एक नई आशा का एनवायरनमेंट निर्मित होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है हरा। अगली राशि है कर्क यानी कैंसर। व्यर्थ की उलझनों में समय व्यतीत होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जोखिम उठाने से हानि हो सकती है, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं उन्हें जल्दबाजी से ना लिया जाए और अगर ऐसा कुछ करना लाजमी है तो बेहतर होगा उन लोगों की मदद लें, उन लोगों से बातचीत करें जिनको आप इस लायक समझते हैं। ऐसा करना आपके लिए उत्तम होगा। ऐसा करेंगे तो जो भी अप्रत्याशित घटनाक्रम हो सकता है उससे आप अपने को मुक्त कर सकते। शुभ रंग है सफेद। अगली राशि है लियो या सिंह। उत्तम दिन है। नई पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हो सकती है, एसोसिएशन ग्रुप में प्रवेश कर सकते हैं और वर्तमान नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका विश्वास है, इससे और भी लोग जिनसे आप मिलेंगे वो अभिभूत होंगे और आपके विश्वास के साथ उनका विश्वास कई गुना बढ़ेगा और वो आपके साथ ना केवल साथ देने को तैयार होंगे बल्कि आपकी मदद भी करेंगे। तो अच्छा दिन है, इसका लाभ उठाइएगा। लाभ उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। शुभ रहेंगे गोल्डन। अगली राशि कन्या यानी वर्गो। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है और ख़ासतौर से पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसे अगर आप आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। विरोधियों के षड्यंत्र आपके खिलाफ सुल रहेंगे और अगर कोई नौकरी आदि के लिए इंटरव्यू एग्जाम आदि आप देने जा रहे हैं तो उसमें आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आपका मनोबल काफ़ी ऊँचा रहेगा। शुभ रंग है लाल। अगली राशि है तुला यानी लीब्रा। जो लोग लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा आदि या डांसिंग, म्यूजिक आदि क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, वे अपनी प्रतिभा के बल पर अपने को इस्टेब्लिश करने में पूरी तरह सफल रहेंगे। अगर कोई कंपटीशन है आज, उसमें आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका परचम चारों तरफ लहराएगा और जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आपके घर वाले प्रसन्न होंगे
जो आपसे प्रेम करते हैं वही बहुत प्रसन्न होंगे, जो आपके विरोध में हैं उनके हौसले डाउन होंगे। एक बहुत ही आशावान दिन है। शुभ रंग है सलेटी। अगली राशि है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। थोड़ा नाजुक दिन है, कार्यों के बनने में उलझनों का सामना करना पड़ेगा, किसी बात की स्थिति को लेकर मन खिन्न हो सकता है। जो डोमेस्टिक मामले होते हैं उनको बहुत सहजता के साथ पारिवारिक इश्यूज को हल करना पड़ता है, लेकिन हम सब अपने तरीके से हल करते हैं, जो तरीका औरों को पसंद नहीं आता, ये अनुभव हम सब का होता है। ध्यान रखिएगा, आज ऐसा ही कोई दिन है जिसमें आपकी ज्यास्ती आपको महंगी पड़ सकती है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ ना करिएगा। और जहाँ तक प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपका शुभ रंग है सफेद। अगली राशि है धनु यानी सेकेटेरियस। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और बड़े मनोयोग के साथ आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। कार्यों के बनने में एक सहूलियत देखने को मिलेगी और एक सिलसिला, एक बना तो दूसरा बना तीसरा बना, ऐसे कुछ दिन होते हैं विशेष, तो जब आकाश हमारा साथ देता है तो उन विशेष दिनों का हमको लाभ मिलता है। ऐसा ही एक दिन है, जब दिन अच्छा हो, समय अच्छा हो, भाग्य अच्छा हो, तो अपने प्रयासों को डबल कर देना चाहिए। ये ऐसा मैंने समझदार लोगों से सुना है, अब भी इसका ज़रूर ध्यान करें रखें। शुभ रंग है भगवा। अगली राशि है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। धन के क्षेत्र में जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं परिवार में कुछ शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, जैसे विवाह या शिशु जन्म या कुछ और कोई अच्छा कार्य हो सकता है, जिससे आप सब लोग काफ़ी घर वाले प्रसन्न रहेंगे, मन भी आपका बहुत शांत रहेगा, अच्छा रहेगा और परिवार में एक बहुत अपनापन, खास तरह का अपनापन आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा दिन है और आपका जो शुभ रंग है वो है सलेटी। अगली राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस। बड़े आत्मविश्वास के साथ और लगन के साथ आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और आपके ये जो प्रयास हैं बहुत अच्छा आपको प्रतिफल देंगे, रिजल्ट देंगे, और इस रिजल्ट से आपके मन में कई गुना उत्साह बढ़ेगा और आप उन्हें और भी निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ, फोर्स के साथ आगे बढ़ाएंगे, करेंगे, और यह जो पूरा प्रोसेस है ये आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होगा। नए लोगों से जो भेंट होगी वो भेंट आपके लिए कारगर सिद्ध होगी, उन्हें आप प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ शुरू हो सकता है। इस तरह से आज का दिन अच्छा है और आपका जो शुभ रंग है वो है पिंक। अगली राशि है मीन यानी पाइसेस। किसी कार्य के ना बनने का मदाल रहेगा और थोड़ा मन भी उदास रहेगा। धन संबंधी मामलों को लेकर भी चिंता बनी रहेगी और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी वादा करके मुकर जाए, तो ये सारी स्थितियां हैं, चलता रहता है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि आपके साथ आज पहली बार होगा, ये पहले भी हुआ था, आज भी होगा, तो अगर ऐसा मानेंगे तो कोई संकट नहीं है। और अगर दिल से लगाएंगे या उसके लिए कुछ और तरह का एटीट्यूड करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। जब अपना समय नाजुक हो तो नज़ाकत से पेश आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा। शुभ रंग है पीला।